अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। यहाँ पे और काफ़ी जगहों पे कल से पहला रोज़ा है और काफ़ी जगहों पे आज पहला रोज़ा था, तो सबको ही रमज़ान मुबारक। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी पहले रोज़े की पहली सहरी, और चलते हैं वीडियो की तरफ। सो थोड़े से बर्तन तो मैंने पहले ही धो लिए थे, अब जो बाकी रह गए हैं वो जल्दी जल्दी से धो रही हूँ ताकि काम जल्दी से ख़त्म हो। पहली सहरी के लिए मैं बना रही हूँ ब्लैक चिक पीस, यानी कि ब्लैक चने, तो बस उसी के लिए मैं प्याज काट रही हूँ। यहाँ पे उजार सिर्फ मुझे बाहर खड़ा के आवाज़ें दे रहा था, तो बस उसे कोई जवाब दे रही थी। और अब मैं काट रही हूँ टोमेटोज। ये वाली ग्रीन चिलीज थी नहीं, तो इसलिए मैंने ये वाली यूज़ की, और रखी मैंने दो थी, पर फिर मैंने सोचा कि एक ही काफ़ी है। और अब मैं रखूँगी प्रेशर कुकर और सब कुछ डालूँगी इसके अंदर। मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अब मैं निकाल रही हूँ चिली पाउडर, सॉल्ट वगैरह। वन टेबलस्पून सॉल्ट, हल्दी और चिली फ्लेक्स थोड़ी सी बिल्कुल, और ये है ज़ीरा। और बस अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 या 2.5 ग्लास वाटर। और ये मैंने कुछ चीज़ें भी मंगवा ली हैं जो घर पे अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि फ्रूट चाट के लिए फ्रूट्स, सॉसेस, ब्राउन ब्रेड, कोकोनट वाटर वगैरह। सो अब हो गया सहरी का वक्त, तो मैं गरम कर रही हूँ वो सालन जो मैंने बनाया था। तो वकार ने सही टाइम भी चावल ही खाए, क्योंकि पराठा हैवी होता है और हमने जो है खाना लेट ही खाया था, इसलिए चावल ही सही लगे। करी थी क्योंकि लोग कहते हैं कि इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, पर इतना बुरा भी नहीं था और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। हमने कर लिया है क्योंकि हमने बहुत अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था, डिनर किया था, उसके बाद वकार तरावी पढ़ने मस्जिद चले गए, तो इसलिए अभी हमें बिल्कुल भूख नहीं थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाया। और अभी मैं बस चाय बनाने आई हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग मैंने सोचा कि मैं ये खा लूं, और इसलिए अब मैं इसको गर्म करने लगी हूं ओवन में। इसके बाद अब हम सिर्फ नमाज पढ़ेंगे और सो जाएंगे, और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूं। उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।